अगर इतना ही टैलेंट होता तो ये स्क्रीन पे नहीं टीम में खेल रहा होता ना। अभी आगे की सोचो यार, मतलब यंगस्टर्स को चांस देंगे तो उनका करियर बनेगा एंड दे विल गेट टू प्ले फॉर इंडिया। अगर इंडियन टीम में खेलना है ना तो एक ही तरीका है, इस रणजी ट्रॉफी में आग लगानी है तुम्हें। एसएस राजमौली की आरआर के नाटू नाटू गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीतकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। नाटू नाटू गाने का खुमार लोगों के सिर ऐसा चढ़ा है कि ये गाना उनकी जुबान से उतर ही नहीं रहा। आरआर की पूरी टीम इससे बेहद खुश है। ऑस्कर अवार्ड अपने नाम करने पर कई बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं से लेकर सेलिब्रिटियों द्वारा आरआर की पूरी टीम को बधाई दी गई है। जब से आरआर की टीम भारत लौटी है तब से मीडिया के सामने ये खुलकर अपनी खुशी और इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में रामचरण ने एक कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया है जहां उन्होंने खुद से जुड़े कई खुलासे किए हैं। इस दौरान अभिनेता रामचरण ने भी मीडिया से खुलकर बातें की। एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में अभिनेता रामचरण ने कहा है कि वह एक स्पोर्ट्स फिल्म करने के लिए बेहद इच्छुक है। जब अभिनेता से यह सवाल पूछा गया कि क्या वह बड़े पर्दे पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की भूमिका निभाना चाहेंगे तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने यह कहा कि यह बहुत शानदार होगा और उन्होंने यह भी कहा कि विराट कोहली एक प्रेरक आत्मा है, वह काफी इंस्पायर करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा मौका दिया जाएगा तो यह बहुत शानदार होगा क्योंकि मैं भी ऐसा ही दिखता हूँ। वहीं आरआर के नाटू नाटू गाने का खुमार विराट कोहली पर भी देखा गया है। विराट को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले एक दिवसीय मैच के दौरान नाटू नाटू के हुक स्टेप का प्रदर्शन करते हुए देखा गया था। इसी के साथ ते हैं दोस्तों, विराट कोहली की बायोपिक कब बड़े पर्दे पर नजर आती है? तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फनकट सिनेमा को सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप विराट कोहली की बायोपिक के लिए कितने एक्साइटेड हो।